Anitya drishyeshu vivichya nityam tasmin samadhataiha smalilaya viveka vairagya vishuddha chittam yoso viveki namah namami viveka jananda nimagna chittam viveka danaika vinodashilam viveka bhasa kamaniya kantim vivekinantam satatam namami ritam cha vigyanam adhishrayatyat nirantaram chadimadhyantahinam sukham surubam prakaroti yasya anandamurtim tamah namami suryo yathandham hitamo nihanti vishnur yathadushta jananchinati tathaiva yasya akhila netra lobham rupam tritapam vimukhi karoti tam deshi kendram paramam pavitram vishvasya palam madhurayatindram hitaya nirnam naramurtimantam viveka anandamah namami namah shriyati rajaya vivekananda suraye sachit sukha swarupaya swamine tapaharine. Hum log Swami Vivekanand ki inspired talks, jisko hindi mein Devavani kehte hain, usko pad rahe hain. और मैंने पिछली बार कहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्वामी जी एक स्टेटमेंट देते हैं और यह नारद भक्ति सूत्र का भी है. स्वामी जी कहते हैं लव इज हायर देन वर्क्स देन योगा देन नॉलेज. इसका जो संस्कृत सूत्र है सातु कर्म ज्ञान योगे भ्यो अपि अधिकतरा. भक्ति जो है वह कर्म ज्ञान और योग से भी अधिक है. चार योग हम जानते हैं कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग और योग यानी राजयोग. स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति यानी नारद कहते हैं कि भक्ति कर्म ज्ञान और योग से अधिक है, श्रेष्ठ है, हायर है, बहुत से बहुत अधिकतरा, अधिक अधिक ही नहीं है, अधिकतर, सेकंड डिग्री, अधिकतर तम, हाँ अधिकतरा. ज्ञान योग भक्ति ज्ञान योग और कर्म से अधिक है, श्रेष्ठतर. यह है नारद भक्ति सूत्र 25वां सूत्र. अब भक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या लिया है स्वामी जी ने, अब मैं पिछली बार मैंने बताया था कि ये भक्ति योग की चर्चा स्वामी जी ने प्रारंभ कर दी है. याद रखी पहले उसके पहले स्वामी जी ने दूसरा विषय लिया था. यहाँ भक्ति योग की चर्चा करते हुए कहते हैं भक्ति जो है वह ज्ञान कर्म इत्यादि से भी अधिक है. गीता में क्या कहा गया है, गीता में छठे अध्याय के लगभग अंत में क्या करते हैं भगवान, गीता में कहते हैं तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योधिको मतो कर्मीभ्य अधिको योगी तस्मात योगी भवार्जुन. जो योगी है वह कर्मी से ज्ञानी और तपस्वी से श्रेष्ठ. और उसके आगे बाद में क्या कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः. योगियों में समस्त योगियों में भी जिसका मन मुझ में पूर गया है, जो मुझे श्रद्धा से भजते हैं, वह युक्त तमो मतः, वो श्रेष्ठतम योगी. स्वयं भगवान कहते हैं, मतलब वहाँ पे तपस्वी ज्ञानी
कर्मी और योगी, छठे अध्याय में तो आत्मसंयम योग, ध्यान योग की चर्चा है, उसमें भी सबसे श्रेष्ठ उन्होंने भक्त को कहा, जो मुझे भक्त भजन करता है वह सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब ऐसे भगवान फिर 11वें अध्याय में फिर कहते हैं, भक्तिया अनन्या शक्य है, मैं भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। अन्य स्थानों पर भगवान कई स्थानों पर कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो लोग मुझे सतत प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति ते, उनको मैं बुद्धियोग प्रदान करता हूँ और जिससे वह मुझे प्राप्त करते हैं। अंत में 18वें अध्याय में भी कहते हैं, मत भक्तिम लभते पराम, मुझे वे भक्ति प्राप्त करते हैं। और अन्यथे क्या कहा है, भगवान की भजना कितने लोग करते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन थी आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्चित ज्ञानित भरतर्षभ, चार आर्त जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थ, जो भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करता है आर्थ है, जो धन चाहता है जो जिज्ञासु है और जो ज्ञानी है, चार मेरी भगवान की भजना करते हैं। फिर आगे भगवान आगे क्या कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्य थे, इन चारों में जो श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी, क्यों, एक भक्ति विशिष्य थे, ज्ञानी है लेकिन उसमें एक भक्ति, भक्ति युक्त होने के कारण मुझे श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम एक भक्तिर्विशिष्ट, ये कहा गया। श्रीमद् भागवत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपत्यागो यथा भक्तिम मम ऊर्जिता। ऊर्जिता भक्ति यानि परम भक्ति, जिस जो भक्ति मुझे योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तप त्याग, भगवान इन चीज़ों को बताते हैं, न साधयति, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, क्या, योग सांख्य धर्म स्वाध्याय और तप और त्याग, ये छह बातें चीज़ें मुझे ऐसी प्राप्त नहीं कर सकती जैसी ऊर्जिता भक्ति। ऊर्जिता यानी पराभक्ति, भगवान के प्रेम में बिल्कुल तन्मय जो हो जाता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भगवान बार बार अनेक स्थानों पर भागवत में, भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भक्ति कर्म ज्ञान योग से बहुत श्रेष्ठ है। अच्छा, यहाँ पे कर्म ज्ञान योग, अब इनको भी देख ले जरा, ये तो हमने शास्त्र के प्रमाण के द्वारा बताया कि ये लो, ये कैसे शास्त्र में क्या कहा गया है, लेकिन अब कर्म के बारे में क्या कहते हैं, तो कर्म के दो अर्थ हैं, एक तो होता है धर्म, धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म, इसमें क्या है, निषिद्ध कर्म को त्यागना है, यानी जो पाप कर्म है उसको त्यागना है, और सकाम कर्म को त्याग, निष्काम कर्म करना है जो वर्णाश्रम के अनुसार है, यानी आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के अनुसार व्यवहार कीजिए, आप सन्यासी हैं तो सन्यासी के अनुसार कर्म कीजिए, जो सन्यासी है वो गृहस्थ जैसा कर्म नहीं करेगा, इसको कहते हैं धर्म या कर्म, जो भी हो। अब इनसे होता क्या है, इससे चित्त शुद्धि होती है, हम सब जानते हैं, जब कर्म भगवान की ओर निष्काम भाव से किया जाता है तो वो चित्त शुद्धि करता है।
चित्त शुद्धि, मन का मल नाश हो जाता है। चित्त शुद्ध जब होता है तब यह भक्ति का साधन बन जाता है। तात्पर्य यह है यह कर्म भक्ति का साधन है। अच्छा, अब ले आजिए, वहाँ गीता में भगवान कर्म त्याग के बारे में कहते हैं, 12वें अध्याय में, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांतिर अनंतरम। वहाँ पर कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताते हैं, उसके वहीं पर उसके बाद में भक्ति की बात वहाँ पर भी आती है। अब ज्ञान किसको कहते हैं? तो यहाँ पर भगवान ने जो कहा है, यहाँ पर नारद ने जो सूत्र में कहा है कर्म ज्ञान, तो ज्ञान का अर्थ है परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं। साक्षात अप्रोक्ष भगवान का ज्ञान, डायरेक्ट रियलाइजेशन की बात नहीं हो रही, यह है अप्रोक्ष ज्ञान। तो अप्रोक्ष ज्ञान यानी ईश्वर के बारे में, ईश्वर कैसे हैं, वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, भागवत में उसका सारा वर्णन दिया गया है, वह सब सर्वव्यापी हैं, वो करुणामय है, ये इत्यादि जो ज्ञान है इसको यहाँ पर ज्ञान कहा। इसको जिसे कहते हैं तत्पद और त्वम पद, आप लोग सब समझते हैं। तो ये तत्पद शोधन यानी भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, इसको कहा यहाँ पर ज्ञान। अब इससे तो ये तो प्रारंभिक अवस्था है, इसके बाद में त्वम और तत् का मिलन होना पड़ेगा, तो उसमें भक्ति जो है वो श्रेष्ठ, भक्ति के माध्यम से यह बहुत आसानी से हो जाता है। अब योग, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये कोई आसान है क्या? श्री राम कृष्ण क्या कहते थे? श्री राम कृष्ण कहते थे ये अन्नगत प्राण, कलयुग में अन्नगत प्राण है तो कर्म नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता। श्री राम कृष्ण इसे कहते हैं कलयुग में नारदिया भक्ति। तो योग भी कठिन है, बहुत मुश्किल से अंत में समाधि होगी चित्तवृत्ति निरोध होने पर। लेकिन चित्तवृत्ति निरोध में समाधि जब होगी उसमें भी एक समस्या है, और वो समस्या यह है कि वहाँ पर रस नहीं आए। चित्तवृत्ति निरोध हो गया, मन प्रशांत हो गया, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बुज समाधि, सारी चित्तवृत्तियाँ शांत हो गई, हमारे संस्कार जो है निरोध के संस्कार भी वह चले गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है या एक कमी है, वो ये है इसमें रस नहीं आता। रस जो है वो भक्ति में, तो उसी प्रकार अद्वैत में अद्वैत ज्ञान जो है अहम ब्रह्मास्मि वो भी मिल जाएगा, वहाँ भी रस नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। बड़ी सुंदर बात है, एक्सीलेंट। क्या कहते हैं? संयम नियम ये क्या है? फूल यानी सेल्फ कंट्रोल, नियमों का पालन, ये क्या है? फूल के समान है। और ज्ञान क्या है? फल। फूल के बाद में फल बनता है, फल हुआ। और रस, हरिपद रति रस, उस फल के अंदर जो रस है वह हरि के चरणों का रति, हरि के चरणों में प्रेम, वह रति है, वह रस है। बड़ा सुंदर उन्होंने योग ज्ञान और भक्ति का बड़ा सुंदर समन्वय किया। ज्ञान मानो फल है लेकिन उसमें रस कहाँ है? वो भक्ति का रस, हरि भगवान के, भगवान के पदों में, पैरों में, चरणों में जो रति है उसको वेद ने रस भगाना। अन्य स्थान पर कहते हैं वो, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु।
जहाँ पर राम का प्रेम प्रधान न होवे वह योग कुयोग है, ज्ञान अज्ञान है। अगर भगवान राम या भगवान के प्रति प्रेम प्रधान न होवे तो योग कुयोग हो जाएगा, ज्ञान अज्ञान हो जाएगा। बहुत सुंदर बात। भगवान भक्ति भगवान के स्मरण के साथ आती है, याद रखिए। इसलिए भगवान आनंद घन हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं, अतः भक्ति में दुख नहीं है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। इसके आगे का सूत्र में कहते हैं नारद, क्या कहते हैं, फलरूपत्वात्। भक्ति फल रूप है, वो रिजल्ट है, इसलिए वो ज्ञान भक्ति कर्म इन सभी से श्रेष्ठ है। ये साधन है, भक्ति सात्य है। वस्तुतः चारों योग जो हैं वो परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। थोड़ा अंतर यह है कि ज्ञान में एकत्व, आत्मा और परमात्मा के एकत्व को महत्व दिया गया है, जबकि भक्ति में द्वैत है, दोनों अलग रहता है। श्री रामकृष्ण जैसा कहते हैं ना, ज्ञान में चीनी हो जाता व्यक्ति जो है वो चीनी हो गया। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं चीनी नहीं होना चाहता, मैं चीनी का आस्वादन स्वाद लेना चाहता हूँ। भगवान के माधुरी का आस्वादन करने के लिए एक हो जाना नहीं चाहते, और आगे एक बढ़ने पर फिर अंत में जो होता है उसको कोई कह नहीं सकता। भगवान के साथ भक्त एक भी हो जाता है। ज्ञानी चित्त को लेकर बढ़ता है, भक्त आनंद को लेकर बैठता है। सच्चित आनंद है ना, सच्चित आनंद। तो सत्य सब वस्तु हैं, चित्त यानी कॉन्शियसनेस, चेतना। ज्ञानी चेतन को लेकर बढ़ता है, भक्त आनंद को लेकर बढ़ता है। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने जो कहा उसकी हमने थोड़ी सी व्याख्या करके देखी, जो शास्त्रों में कहा उसके आधार पर कि भक्ति जो है वह ज्ञान कर्म योग से अधिकतरा है। लव इज हायर देन वर्क्स देन योगा देन नॉलेज। अब आगे इस थोड़े से पैराग्राफ में स्वामी जी तीन चार बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कहते हैं। कहते हैं वर्क इज मियरली ए स्कूलिंग फॉर द ड्यूअर, इट कैन डू नो गुड टू अदर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन इसका यह, कर्म के द्वारा कर्म करने वाले का ही चित्त शुद्ध होता है। स्कूलिंग, स्कूलिंग फॉर द डूअर, यानी जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसकी थोड़ी सी तैयारी हो रही है, उसका स्कूल जाना, उसकी पढ़ाई हो रही है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है बस। तो कर्म से केवल जो करने वाले वाला है उसकी क्या ट्रेनिंग हो रही है। हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, कर्म के द्वारा केवल कर्म करने वाले का ही चित्त शुद्ध होता है। और आगे क्या कहा, बड़ी विचित्र और ऐसी चौंका देने बात वाली, कहते हैं इट कैन नो डू नो गुड टू अदर्स, यानी उससे दूसरों का कुछ उपकार नहीं होता। जो कर्म करते हैं, निष्काम कर्म किया, सेवा की, इससे किसी का उपकार नहीं। जो काम करता है, निष्काम कर्म करता है, उसी का उपकार होता है और किसी का नहीं होता। अरे कैसी बात ये, इसको जरा थोड़ा सा समझें। हमने अब जैसे दान की बात ले लीजिए, स्वामी जी कर्मयोग में ही दान की बात करते हैं, तीन प्रकार के दान, ये भी तो कर्म ही है। हम किसी की सेवा करते हैं, कोई बीमार है उसकी सेवा की, कोई भूखा है उसको हमने अन्न दे दिया, वस्त्र दान कर दिया,
इनसे उसका लाभ तो होता होगा ना, कुछ ना कुछ तो उसको लाभ होता है। भूखा उसका पेट भर गया तो अन्नदान, वस्त्रदान, आश्रयदान, ये एक प्रकार के दान है। दूसरा दान है विद्यादान। एक बच्चा है उसको पढ़ा दीजिए, गरीब है बिल्कुल, उसके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं है, आपने उसको ट्यूशन दे दिया, स्कूल दे दिया, पढ़ा दिया, क्या होगा? वो पढ़ लिख जाएगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा, रोज़ रोज़ भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसलिए विद्या दान को अन्नदान और वस्त्रदान से श्रेष्ठ माना, ठीक है। और तीसरा है ज्ञान दान, आध्यात्मिक ज्ञान दान। व्यक्ति को ये समझाना कि देखो ये जगत अनित्य है, इस संसार में मत फंसो, ये राग द्वेष हैं, अपनी वासनाओं को मत बढ़ाओ, भगवान का नाम लो, इसको कहते हैं ज्ञान दान। इससे क्या होगा? उसकी वासनाएं नहीं बढ़ेंगी, नहीं तो वह पढ़ लिख के बड़ा हो गया लेकिन इच्छाएं बढ़ती चले जाएंगे, कभी सुखी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था हमारी दीदी, बड़ी कजिन सिस्टर, वो उधर एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के माध्यम से उधर राजस्थान में वो काम करती थी। वहाँ पे तो पानी नहीं है, रेगिस्तान है, तो जब गाँव में जाती थी, पूछती थी महिलाओं से, पूछती थी तुम्हारी क्या आवश्यकता है? हमको पानी चाहिए, यहाँ तो पानी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल है, बड़ा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर कर के पानी रखते हैं। अब क्या हुआ, सरकार ने वहाँ पर नहरें बना दी, भाखरा नंगल की तरफ से वो नहरें आके वहाँ आ गई, राजस्थान में बहुत फ़ायदा हो गया। जो बिल्कुल रेगिस्तान थे वहाँ पर खेत हो गए। अब हमारी दीदी ने जाके पूछा, अब तुम्हारी क्या आवश्यकता है? हमको टीवी चाहिए। इच्छा कम हुई क्या? बेसिक नीड जो है अन्न वस्त्र की, पानी की, ये हो गई, लेकिन इच्छा कम नहीं। इसलिए कहते हैं ज्ञान दान, इसके बना आदमी सुखी नहीं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि हम दूसरे का भला नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं यहाँ पे याद रखिए, दो बातें हैं, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। बाहरी दृष्टि से अपेरेंटली अगर गरीब आया, बच्चा आया, खाने को कुछ नहीं, आपने उसको खाना दे दिया, पेट भर गया, ठीक है, शिक्षा दे दी, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद तो इसके आगे जाते हुए ये कहते हैं कि संसार में जो दुख है उसकी मात्रा उतनी की उतनी रहती है। यहाँ से दुख हटकर वहाँ चला गया, पहले पानी नहीं मिलता था, अन्न नहीं मिलता था, उससे दुख है, अब टीवी नहीं मिलता इसलिए दुख है। दुख एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। सम टोटल ऑफ ऑल सफरिंग एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड रिमेन्स द सेम, स्वामी विवेकानंद का ही कहना कि संसार में ये सुख दुख का अनुपात जो है वैसा का वैसा है। यहाँ से उठा के इस दुख को वहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के सुख को यहाँ रख दिया, लेकिन दोनों का जो अनुपात है वैसा के वैसा है। ये संसार में सुख दुख सदा बने रहेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? जो करना हो खुद कर लो और मुक्त हो जाओ। कर्म करके, चित्त शुद्धि करके स्वयं मुक्त हो जाओ। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि यह जो कर्म है यह चित्त शुद्धि के लिए है। कर्म केवल कर्म वाले के का ही चित्त शुद्ध होता है, उससे केवल चित्त शुद्ध होता है। संसार, स्वामी जी कहते हैं, कुत्ते की पूंछ। वो जानते हैं ना, अब कहानी स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में सुनाया करते हैं। कर्मयोग में सुनाते हैं कि एक आदमी था, वो पैसा धन चाहता था, एक गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम यह मंत्र का जप करो। मंत्र का जप किया, सिद्ध हुआ तो एक भूत आ गया, एक दैत्य जैसा आ गया, तो कि मैं तुम्हारा वश में हूँ, तुमने ये मंत्र किया था, बोलो क्या करूँ। बहुत खुश हुआ, तुम जो काम करो बताओ मेरे को, तो कि महल बना दो, ये लो, ये महंत बन गया, एक मिनट में महल बना दिया।
मैं खाने पीने की चीज़ें भर दो, ये लो खाने पीने के फट से बना दिए। वो तो भूत था, उसमें शक्ति थी, काम दो ये खेत को साफ कर दो, ये साफ कर दिया, खेती कर दो, हाँ खेती कर दिए, एक मिनट में सब हो जाता है, क्षण भर में कर देता, अब के काम बताओ। अब बेचारा घबराया, दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास में गया। उसने कहा तुम काम नहीं दोगे तो तुम्हारी गर्दन मोड़ दूंगा। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा ठीक है, तुमको मैं तुम समझे नहीं इस चीज़ को, तुम्हें समझाने के लिए ये मैं तुमको, तुम्हारी इच्छा थी कि मेरी वासनाएँ पूर्ण हो, इसलिए मैंने तुमको ये शिक्षा दी थी, अब ये लो। मैं तुमको एक बात कहता हूँ, वो कुत्ता है ना, उसको बोलो कि कुत्ते की पूंछ को सीधी कर दे। तो वो भूत लगा कुत्ते की पूंछ को सीधी करने, ये देखो हो गई, जैसे छोड़ा तो फिर भूत। तो ये संसार श्री राम कृष्ण कहते हैं कुत्ते की पूंछ है, इसको सीधी नहीं कर सकते, फिर भी करना चाहिए, क्यों, ये सेवा कर रहे हैं, इतना सा बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम प्रवचन दे रहे हैं, यह भी तो एक सेवा है, क्यों, आप लोगों के लिए नहीं, हम जानते हैं आप लोग तो यहाँ सुनेंगे और वहाँ जाते जाते भूल जाएंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं होने वाला, और इस उम्र में और कितना रहेगा, थोड़ा सत्संग है, बैठे हैं आश्रम में है, बहुत आए, लेकिन वो इस कान से करेगा उस कान से निकल जाएगा और कुछ नहीं होगा। हम अपने लिए कर रहे हैं, याद रखिए, हमको पढ़ना पड़ा, ध्यान करना पड़ा, सोचना पड़ा, हमारा मन जो है वो उच्च स्तर पर बना रहा, आप लोग तो सुन के और छोड़ के चले जाएंगे, आपके लिए प्रवचन करने के लिए, एक प्रवचन तैयार करने के लिए हमको 2-3 घंटा ध्यान करना, तो क्या हुआ, ये संसार जो है वैसा के वैसा ही रहेगा, इससे क्या लाभ क्या होता है, स्वयं का चित्त शुद्ध होता है, यही स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, और इससे अधिक की अपेक्षा नहीं करना है, फिर भी करना है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ सीधी करते करते हमारा अहंकार दूर हो जाता है, हम सीधे हो जाते हैं, और यदि नहीं हुआ, अगर आप संसार का कल्याण करने का प्रयत्न करते करते खुद सीधे नहीं हुए, खुद का अहंकार नहीं गया, तो आप समझ लीजिए कि आपने ठीक ठीक कर्मयोग नहीं किया है, जगत का कल्याण नहीं हुआ, आपका भी कल्याण नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। श्री रामकृष्ण क्या कहते थे, श्री रामकृष्ण कहते थे संसार क्या इतना बड़ा है, इतना छोटा है कि तुम थोड़ी सी सेवा कर लोगे। श्री रामकृष्ण खुद भी कहते थे कि संसार जो है वो इतना इतना बड़ा छोटा तो नहीं है कि तुम जरा से जाके सेवा कर लोगे। सेवा की बात करते ही श्री रामकृष्ण जो हैं वो सदा विपरीत बात करते थे, अरे बाबा खुद भी मुक्त हो जाओ। याद रखिए, ये मुक्त होना भी अपने आप में संसार का बहुत बड़ा कल्याण है। स्वामी विवेकानंद ने जो आदर्श दे दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत का हित भी लगाया है, जगत का हित नहीं होता हम मुक्त हो जाते हैं। और अगर वाराणसी में, वाराणसी की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो मुक्ति क्षेत्र है, इसकी बात नहीं करते, चंडीगढ़ जैसी जगह, जोधपुर, गुजरात, ऐसी जगह में अगर एक व्यक्ति वहाँ पर मुक्त हो जाता है तो सारा का सारा वो स्थान वो धन्य हो जाता है, उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अपनी चित्त शुद्धि करना और मुक्त होने का प्रयत्न करना, ये अपने आप में दूसरों के कल्याण का बहुत महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ उपाय। इसलिए स्वामी जी ने कहा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा की मुक्ति और जगत का हित। तो ये हमने देखा स्वामी जी जो कहते हैं कर्म के द्वारा केवल कर्म करने वाले का ही चित्त शुद्ध होता है, उससे दूसरों का उपकार नहीं होता। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन स्वामी जी कहते हैं वी मस्ट वर्क आउट अवर ओन प्रॉब्लम, द प्रॉफिट्स ओनली शो अस हाउ टू वर्क।
अवतारों की बात स्वामी जी कहते हैं, महापुरुषों की बात कहते हैं। हमें अपनी ही साधना से अपनी उन्नति करनी है। महापुरुष गण तो हमारा केवल मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये कर्म की बात हो गई। अब ये दूसरी बात, ये स्वामी विवेकानंद के नोट्स से जो लिए गए हैं, तो वो एक के बाद एक दूसरे आइडियाज़ जो विचार उनके जो हैं वो मिक्स हो गए हैं, उसको सेपरेट अलग अलग करके उसको देखना पड़ेगा। महापुरुष अवतार पुरुष क्या करते हैं, दे ओनली शो अस हाउ टू वर्क, वी मस्ट वर्क आउट अवर ओन प्रॉब्लम्स। हमें अपनी समस्याओं को खुद साधना से उन्नति करनी है, यहाँ कहा है। अपनी समस्याओं को खुद हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये अवतार मार्गदर्शन कर देते हैं, हमारी समस्या है, हम साधना नहीं कर पाते हैं, हम में दुर्बलता है, तो क्या करें, प्रभु कृपा कीजिए, आप कृपा कर दीजिए। याद रखिए, भगवान प्रभु जो है वो जो महापुरुष लोग हैं, ये आपके पाप ढोने वाले स्वीपर नहीं है। ये जो स्वीपर आता है ना, तो वो कचरा वचरा ले जाता है। तो ये मत समझिए कि महापुरुष आए हैं, संत आए हैं, तो हमारे पाप को ले लेंगे, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। केवल अवतार वे कपाल मोचक होते हैं, कपाल मोचक, उनमें क्षमता होती है किसी व्यक्ति के पापों को नष्ट करने। श्री राम कृष्ण ने गिरीश चंद्र घोष के पाप को ले लिया था। जीसस क्राइस्ट एक बार जा रहे थे, बहुत सारे लोग उनके पीछे जा रहे थे, एक महिला थी, उसने सोचा कि अगर मैं इस महापुरुष को स्पर्श कर लूं तो मेरा कल्याण होगा। उसने पीछे से, बहुत सारे लोग जीसस क्राइस्ट को छू भी रहे थे, उसने पीछे से ईसा मसीह के कपड़े को छू लिया। ईसा मसीह रुक गए, किसने छुआ मुझे, मेरी शक्ति चली गई। वो बेचारी घबराई हुई आई उनके सामने, उन्होंने उसको सांत्वना देकर कहा, माय डॉटर गो इन पीस, योर फेथ हैज क्योर्ड यू। उसको बीमारी थी कोई, उसको कोई लेडीज़ की बीमारी थी, तो उसको रक्त जाता था, जो भी हो, उसने सोचा अगर मैं इसको छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। जिस इसका इसको उसने कपड़े को पीछे से छुआ, उसका रक्त स्राव बंद हो गया, और इस जीसस क्राइस्ट ने मुड़कर देखा तो कि किसने मुझे छू लिया। लोगों ने कहा, आपको तो इतने सारे लोग छू रहे हैं। इतने में वो थी, वो बेचारी घबराई हुई खड़ी हुई थी, जीसस क्राइस्ट ने कहा, डॉटर हे कन्या गो इन पीस, शांति से जाओ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी श्रद्धा के कारण तुम ठीक हो। तो ये काम, किसी के पाप को लेना, किसी के रोग को दूर करना और उसे अपने ऊपर लेना, ये प्रॉफिट्स यानी अवतार कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अतिरिक्त बाकी जो कुछ हैं, वह आदर्श प्रस्तुत करते हैं कैसे जीवन व्यतीत करना, उसके अनुसार हमें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, श्री रामकृष्ण के पास तो कितने लोग आते थे, उनके डिसाइपल्स, उनके जो शिष्य थे, उनसे उन्होंने कितनी कठोर तपस्या करवाई। उनको तो आवश्यक नहीं था, वो तो अपनी इच्छा मात्र से उनको ईश्वर दर्शन करा सकते थे, कराया है उन्होंने कईयों को, लेकिन फिर भी स्वामी ब्रह्मानंद जी, लाटू महाराज, तुरियानंद जी, कितनी कठोर तपस्या इन लोगों ने की। तो श्री रामकृष्ण क्या कहते थे, मैंने एक रुपया किया है तुम एक आना करो, मैंने 16 आना किया है तुम एक आना करो। आजकल तो यदि 16 आना एक कहेंगे तो लोग समझेंगे नहीं, आज के लोग, क्यों, वो आने का ज़माना चला गया, आजकल तो पैसे का ज़माना हो गया है, 100 पैसा। आज अगर श्री राम कृष्ण होते तो कहते, मैंने एक रुपया किया है तुम एक पैसा करो, 100वां भाग। श्री राम कृष्ण ने जितना किया है उसका 100वां भाग भी अगर हम करें तो हम मुक्त हो जाएं।
इतनी कठोर तपस्या उन्होंने क्या है आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, यही स्वामी विवेकानंद कहते हैं यह पथ प्रदर्शक हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं, चलना तो हमें पड़ेगा। और ये मार्ग दिखाने की बात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व की है, बहुत सुंदर। आप आज से 20 वर्ष पहले आप लोगों ने श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ा होगा, आपको बहुत सारी बातें मिली होंगी, उपदेश मिले होंगे, हमने कुछ उपदेशों को अपने जीवन में उतारा, जीवन को उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न किया। 10 वर्ष बाद फिर आपने पढ़ा उसको, वही पुस्तक है, लेकिन आज उसको उसमें से आपको दूसरा मार्गदर्शन मिल रहा है जो आपकी इस समय की अवस्था के अनुसार हो रहा है। 10 साल बाद बोर वही पुस्तक बार बार मार्गदर्शक बनती चली जा रही है हमारे स्तर के अनुसार। एक ही पुस्तक करोड़ों लोगों के मार्गदर्शन कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से उससे मार्गदर्शन लेता है। ये महत्वपूर्ण बात है। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं ये महापुरुष लोग पथ प्रदर्शक होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पथ प्रदर्शक अगर गुरु होते तो बड़ा अच्छा होता है ना। स्वामी विवेकानंद स्वयं राजयोग में कहते हैं राजयोग का प्रैक्टिस कीजिए लेकिन उसके लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता है। आप यदि पढ़ा होगा जिस लोगों ने, आप लोगों ने राजयोग में विशेषकर प्राणायाम इत्यादि पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा है कि बिना गुरु निर्देश के नहीं करना। अब गुरु कहाँ से मिले? स्वयं स्वामी विवेकानंद वहाँ कहते हैं कि जब आपको गुरु की आवश्यकता होगी तब अवश्य आपको गुरु मिल जाएगा, ठीक ठीक आवश्यकता होगी तो गुरु मिल जाएगा। और जितने साधक हैं उन सबको ये मालूम है, अचानक ध्यान कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। कोई आदमी आकर कहता है कि अरे अरे मैंने वहाँ न्यूज़पेपर में एक नोटिस देखा है, वहाँ पर रामकृष्ण आश्रम है, वो फलाने फलाने गंज में, वहाँ जाके स्वामी मिल जाते हैं, मार्गदर्शन मिल जाते। जो सच्चे साधक हैं उन सभी को ये अनुभव होता है कि जब कभी आवश्यकता होता है तब गुरु अवश्य मिल जाते। अगर गुरु न भी मिले तो शास्त्रों में हमें सारे मार्गदर्शन मिल जाएंगे। ये शास्त्र साधकों के विभिन्न स्तर की अनुभूतियों के रिकॉर्ड्स, और इसलिए जो जिस स्तर का है उस स्तर के अनुसार उसको वहाँ पर मार्गदर्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बात थी वो यह है कि महापुरुष पथ प्रदर्शक मात्र हैं, बाकी हमको चलना है, हमको उसके अनुसार उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार कार्य करना। अब आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, वॉट यू थिंक यू बिकम इजंट इट। अगले आगे कहा है स्वामी जी ने, वॉट यू थिंक यू बिकम, सो इफ यू थ्रो योर बर्डन ऑन जीसस यू विल हैव टू थिंक ऑफ हिम एंड दस बिकम लाइक हिम, यू लव हिम। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण बात, इसका हिंदी अनुवाद किया है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना है उसकी सिद्धि उसी प्रकार की होती है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, याद रखिए। आपकी भावना वैसी जैसी होगी वैसी आपकी सिद्धि होगी, सब आपके ऊपर निर्भर है, आपके मन पर निर्भर है। किसी बाहरे व्यक्ति को दोष मत दीजिए, जैसा मन है उसके अनुसार होगा। उदाहरण ले लीजिए, यादृशी भावना, जैसी आपकी भावना तो कैसी भावना। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, सारी शक्ति तुम में विद्यमान है, तुम महान हो, बार बार कहते हैं ना स्वामी जी, बार बार कहते हैं तुम महान हो, कभी मत यह सोचो कि तुम दुर्बल हो, ओ अमृत के पुत्र भारतवासी तुम महान हो, तुम ऋषियों की संतान हो, बार 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 कहते हैं। क्यों? तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। तुम अगर अपने आप को सोचोगे कि तुम महान हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम में सारी शक्ति विद्यमान है, सारी शक्ति तुम में आ जाए,
ये फंडामेंटल है स्वामी विवेकानंद के इस संदेश के कारण कितने लोग महान बन गए, कितने लोगों को कैसी शक्ति प्राप्त हो गई, ये सोच करके हम महान हैं। सारी शक्ति जो आत्मा जो है उसमें सब कुछ विद्यमान है, वो तो दिव्य है। अच्छा, अब श्री रामकृष्ण को लीजिए। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? गिरिशचंद्र घोष ने कहा, मैं पापी हूँ, मैं ऐसा पापी हूँ कि जिस स्थान पर बैठूँ तो 7 फीट जमीन जो है वो पापी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, अब पापी कहने से पापी हो जाता है, तुम पापी क्यों हो, कभी पापी नहीं कहना। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, आप देख लीजिए, श्री रामकृष्ण पापी बार बार कहते हैं। बाइबिल में श्री रामकृष्ण के सामने किसी ने न्यू टेस्टामेंट का पोर्शन पढ़ा था, उसमें लिखा है पापी पापी सिनर सिनर। श्री रामकृष्ण कहते ये क्या किताब है, बंद करो बंद करो, ये पापी पापी सोचने से आदमी पापी हो जाता है। श्री रामकृष्ण सर्वत्र सब में भगवान देखते थे और सब में व्यवहार ऐसा करते थे जिससे कि जो व्यक्ति सोच रहा है वो लगता था कि मैं महान। अब आइए माँ शारदा पे। माँ शारदा क्या कहती हैं? किसी के दोष मत देखो, ये भी भावना, यादृशी भावना यश सिद्धिर्थाशिषि। माँ ने सुंदर भावना दी है, भाव देखा है, किसी के दोष मत देखो, दोष देखो अपने। माँ शारदा तो पापी को, कोई पापी हो डाकू हो उसमें भी उसको माँ को मालूम होते हुए भी माँ देख नहीं पाती थी, नली नहीं बोलती थी, हम जान रहे हैं ये चोर हैं। माँ ने कहा कौन चोर है कौन नहीं चोर है मैं जानती हूँ, बताते हुए भी, बड़े आश्चर्य की बात, बताते हुए कि माँ इसने ये किया है वो किया है, ये पापी है डाकू है, हाँ हाँ अच्छा 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 बैठो बैठो, माँ देख ही नहीं पाती थी, कैसी अद्भुत चीज। और माँ क्या कहती थी कि जो पापी है, जो आप दूसरे के में पाप या दूसरे में अगर दोष देखोगे तो वो दोष खुद में आ जाएगा। और ये भी एक सिद्धांत है, बिना हमारे भीतर पाप या बुराई होते हुए हम दूसरे में बुराई नहीं देख सकते। अगर हमें बुराई दिखती है दूसरे में पाप दिखता है, तो हमें प्रश्न करना चाहिए अपने आप से कि मैं क्यों पाप देख रहा हूँ या मैं क्यों पाप देख रही हूँ, मुझे बुराई क्यों दिख रही है, कुछ न कुछ गड़बड़ मुझसे है। और जब हम किसी के पाप का चिंतन करते हैं, बुराई का चिंतन करते हैं, वो पाप और चिंतन हमारे मन में आ गया तो उस क्षण के लिए तो हम वैसे पापी बन जाते। यादृशी भावना, जैसी जिसकी भावना होगी उसी प्रकार से हम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात। अच्छा, इसका थोड़ा सा और आगे जाएं, हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की सृष्टि बताई गई, ईश सृष्टि जीव सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि। ईश्वर ने क्या बनाया? मिट्टी बनाई, पत्थर बनाया, है ना? और जीव ने, मानव ने क्या बनाया? मकान बना दिया। ये मकान तो ईश्वर ने नहीं बनाया, ईश्वर ने तो केवल पत्थर बनाया था, सीमेंट तो मानव ने बनाया, ईश्वर ने तो और कुछ बनाया था, ईंट मानव ने बनाई, ये मकान तो मानव ने बनाया है ना, ये एक प्रकार। दूसरा, ईश्वर ने किसको बनाया? एक मनुष्य को बनाया, एक स्त्री को बनाया, एक पुरुष को बनाया, और हमने क्या किया? उसको माँ बना दिया, बहन बना दिया, पत्नी बना दिया, कन्या बना दी, ये किसने किया? हमारे मन ने हुआ ना। हमने एक व्यक्ति को देखा, कोई व्यक्ति उसको देखकर बोलता है अरे ये तो पापी है, अरे जे भी हो मैंने देखा है उसको, मैं अपने मन से उसमें उब डाला हूँ। मैं कई बार दृष्टांत दे चुका हूँ, यहाँ पहले भी दिया होगा, वो जब अयोध्या कांड हुआ था ना, बाबरी मस्जिद कांड, उस समय बहुत भयानक वो सिचुएशन थी। उसके बाद मैं सप्ताह में एक दिन केदारघाट, यहाँ पे पहले था तब, सप्ताह में एक दिन केदारघाट जाता था पीछे के रास्ते से, ये पीछे का रास्ता है ना इधर से, और उसके आगे वहाँ पे वो मस्जिद आती है, मस्जिद आता है, मदरसा आता है, बहुत बड़ा मुसलमानों का एक एस्टेब्लिशमेंट है, उस रास्ते से मैं जाता था। तो बहुत सारे मुसलमान लोग आदर इसके बीच में से सब जाते थे, यहाँ तो सब साथ में रहते हैं, वहाँ हमेशा बच्चे खेलते मिलते थे मेरे को।
अब जब ये बाबरी मस्जिद कांड के बाद में जब वहाँ से जाने लगा एक बार, तो मुझे देख के सब बच्चे भागे, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे मन में उनके तरफ कोई दुर्भाव नहीं है। अरे ये लोगों ने, ये गेरुआ देखा ना, इन लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, ये क्या, ये मन से उन्होंने मुझे शत्रु बना लिया। मन से हम किसी व्यक्ति को मित्र बना लेते हैं। द्वेष, प्रिय, उपेक्षे, तीन प्रकार की बातें, ये सब किससे होती हैं, ये मन के द्वारा। इसलिए मैंने कहा यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृश, जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड, हमें अपने मन की चिंता करना है। बाबा अपने मन को ठीक करो, संसार अपने आप ठीक हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं, ईसा मसीह ने स्वयं कहा, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्वामी विवेकानंद का वर्क इन इट्स सीक्रेट, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के इंग्लिश में दूसरे वॉल्यूम के पहला चैप्टर है वर्क इन इट्स सीक्रेट, उसमें बड़ा सुंदर करके वे एंड में कहते हैं वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। अपने को संभालो, दुनिया की सोचने की जरूरत नहीं है, दुनिया को ठीक करने का प्रयत्न नहीं करो, अपने को खुद तो करो। हम संसार को ठीक करना चाहते हैं लेकिन हमारी क्या हाल है, दूसरा कोई आगे कहेगा अरे ये ऐसा कैसा आदमी है, ये इसमें इतने दोष भरे हैं, ये दूसरे को सुधारने के लिए जा रहा है। दूसरे को सुधारने के पहले हमें स्वयं को सुधारना है, स्वयं के दोष देखना है। कितना कठिन है स्वयं के दोष दूर करना, कितना कठिन है। हम दूसरे को सुधारेंगे, दूसरे के दोष दूर करना चाहते हैं, उसमें काम क्रोध लोभ हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। खुद के काम को लोभ दूर करने का प्रयत्न कीजिए ना, तब पता चलेगा, जान निकल जाएगी। सारा जीवन संघर्ष करने के बाद भी काम क्रोध लोभ मोह नहीं जा दूर जा होते, और हम दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, असंभव। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी कहते हैं यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। अब इसके आगे का एक बात है, संक्षेप में कह के मैं बात समाप्त करता हूँ। स्वामी जी कहते हैं ईशा के चरणों में के चिंतन में यदि तुम अपने को समर्पित कर दोगे तो तुम्हें सर्वदा उनका चिंतन करना होगा। इंग्लिश में है If you throw your burden on Jesus, you will have to think of him and thus become like him. You love him. ये ईसाइयों को वह प्रवचन दे रहे थे अमेरिका में, थाउजेंड आयरन बार में, वो लोग सब ईसाई थे। वो कहते हैं ईसा के शीर्ष चरणों में यदि तुम अपने को समर्पित कर दोगे तो तुम्हें सर्वदा उनका चिंतन करना होगा, और इस चिंतन के फलस्वरूप तुम तद्भावापन्न हो जाओगे। जिसको आप प्रेम करते हो, जिसके ऊपर शरणागत हो जाते हो, ठीक ठीक शरणागति जो है वो भगवत चिंतन के बिना नहीं होती। हम भगवान श्री राम कृष्ण पर अगर शरणागत हों तो हमें सदा सर्वदा भगवान श्री राम कृष्ण का चिंतन करना होगा। मैं शरणागत हूँ और संसार का काम कर रहे हैं, संसार में डूबे हैं, अरे भाई जो होता है मैं तो भगवान के ऊपर आधारित हूँ, निर्भर, ऐसा नहीं होता। अगर भगवान पे, जीसस क्राइस्ट पे शरणागत हैं, श्री राम कृष्ण पे शरणागत हैं, तो सुबह शाम आपको श्री राम कृष्ण का चिंतन करना होगा। और जब श्री राम कृष्ण का या अपने इष्ट का या जीसस क्राइस्ट का जब हम चिंतन करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? जितने समय तक हम ईसा मसीह का चिंतन करते हैं उससे समय तक हम ईसा मसीह हो जाते हैं, जिससे समय तक हम राम का या कृष्ण का चिंतन करते हैं उतने समय में हमारा मन राममय हो जाता है, हमारा मन और राम का मन एक हो जाता है। अब जरा सोचिए, आप निरंतर अगर राम का चिंतन करें तो आप राम ही हो जाएंगे, राम आप में और राम में कोई अंतर नहीं हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसलिए संसार का चिंतन छोड़कर राम का, कृष्ण का, राम कृष्ण का, अपने इष्ट का चिंतन निरंतर करना, हम वही हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण, कितनी सीधी बात है, सरल बात है, आसान बात है। किसी न किसी प्रकार से अपने इष्ट का चिंतन कीजिए,
इष्ट यानि जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम अपना स्वामी मानते हैं, जिनको प्रभु मानते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम इष्ट तो मानते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। अगर ठीक ठीक प्रेम करें तो क्या हम उनका चिंतन किए बिना रह सकते हैं? एक माँ बच्चे का प्रेम करती है तो दिन रात माँ का ही बच्चे का चिंतन करती है कि नहीं? स्वाभाविक रूप से चिंतन होता है। भगवान से अगर प्रेम करेंगे तो भगवान का निरंतर चिंतन हो सकेगा और तब हम और भगवान में कोई अंतर नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद ने ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही है, ईसा मसीह के शरणागत हो जाओ, अपने इष्ट के शरणागत हो जाओ तो तुम सदा सर्वदा उनका चिंतन कर जाओगे और यही प्रेम है, यही पराभक्ति है। यह इसके आगे की चर्चा हम शनिवार को करेंगे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।